में ओमिक्रॉन को लेकर स्थिति अभी भी चिंता वाली बनी हुई है, तो ऐसे में जितेंद्र लगातार हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार हम आपसे भी जानकारी ले रहे थे कि बाजारों में किस तरह की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में क्रिसमस भी आ रहा है, 4 दिन का समय बचा है क्रिसमस में, और फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो लोग भारी संख्या में देखते हैं हम 25 दिसंबर और 31 और 1 जनवरी को पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे में खतरा कहीं ना कहीं अलर्ट की घंटी यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में लोग बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, गैदरिंग होगी, भीड़ जुटेगी, तो खतरा बढ़ सकता है ऐसे। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह की तमाम चीजें होती तो खतरा बढ़ने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का पहला वायरस है और फिर उसके बाद जब जो डेल्टा प्लस वायरस है वो लोगों को मैं अपना जो है जगह बना रहा है, उसके बाद अब ये ओमिक्रॉन है, तो ये तीन चीजें अलग अलग देखिए आप। इसके अलावा अगर नॉर्मल कोल्ड की बात करें तो जो लोग है वो नॉर्मल कोल्ड और ओमिक्रॉन में फर्क नहीं समझ पाते हैं, हालांकि इनमें जो फर्क है वो काफी नामात्र है और जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन जब तक समझते हैं, जब तक टेस्ट होता है, जब तक वो कोरोना की चपेट में आ जाता है, जब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। और जिस तरह से 25 दिसंबर की आप बात करें या फिर 1 जनवरी की आप बात करें, जिस तरह से लोगों की गैदरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं इसका बढ़ावा मिलना निश्चित तौर पर देखा जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि प्रशासन इस पर समय रहते कार्रवाई करे और इनको रोका जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो गाजियाबाद प्रशासन का है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए या तमाम जिलों की बात की जाए, तो तमाम प्रशासन इस पर पहले से ही उनको रोक लगानी होगी, लगातार उनको देखना होगा कि कहाँ होटल्स में किस तरह की बुकिंग हो रही है, मैरिज होम में इस तरह की बुकिंग हो रही है, पार्टी वेयर में किस तरह की बुकिंग, उन तमाम चीजों के आंकड़े उनको इकट्ठे करने होंगे, उनको एक सीमित करना होगा ताकि कहीं ना कहीं इस वेरिएंट से बचा जा सके। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए गाजियाबाद की क्या स्थिति है ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन आने जिस तरह से देखिए आप फील्ड पर मौजूद रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, अभी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों में क्या जागरूकता है अभी भी ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में डर तो है कि ओमिक्रॉन एक वायरस है जो कोरोना की तरह और उनको बीमार कर सकता है, लेकिन उसके प्रति उनको क्या करना है, उनको मास्क लगाना है, लगातार जो उनको हाथ सैनिटाइज करने हैं, अपने घर से कम निकलना है, 2 गज की दूरी रखनी है, ये तमाम जो चीजें हैं लोग भूल चुके हैं। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हुई, उसी तरह से लोग जो है इसको भूलते चले गए, हालांकि लोगों को डर है लेकिन उसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं। बसों में अगर आप देखेंगे तो खचाखच भीड़ बड़ी भरी होती है, इसके अलावा बाजारों में आप देखेंगे लोग जो सब्जियां खरीदने एकदम इस तरह से जाते हैं कि भीड़ का जो हुजूम होता है वो बहुत भयंकर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि वो इसको अवेयरनेस करें, अपनी सुरक्षा के लिए खुद मास्क लगाएं, अगर सामने वाला व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो खुद मास्क लगाएं, लेकिन लोग क्या है ये कर रहे हैं कि एक को देखे कि भाई चलो भैया इसने भी मास्क नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लोगों को समझना पड़ेगा, तो अगर लोग इस तरह की चीजें समझते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है ये दूसरी लहर की तरह कहर न बढ़ पाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अभी गाजियाबाद में जिस तरह से 2 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, तो प्रशासन की तरफ से इस बार क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए हमने देखा था कि पहली वेव में अगर किसी घर में कोई संक्रमित पाया जाता है तो उस घर को सील कर दिया जाता था प्रशासन की तरफ से, तो क्या इस बार भी ओमिक्रॉन को लेकर यही किया जा रहा है, क्योंकि जो दोनों मरीज गाजियाबाद में है वो होम आइसोलेशन में ही है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोनों मरीज जो है जो जिनका पता चला उसके बाद प्रशासन ने उनको तो सील किया ही किया, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे जिनसे उनका मिलना हुआ था 10 से 15 दिनों में, उन लोगों का भी डाटा कलेक्ट किया और उनके भी लगातार टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो लोग हैं वो और किन लोगों से मिले हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी लगाई जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली में 24 केसेस निकले हैं, 2 करोड़ की आबादी में सिर्फ 24 केस कम लग सकते हैं, लेकिन वो आंकड़ों पर डिपेंड करते हैं कितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग जो है इसके चपेट मारे नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीजें जब अगर लगातार टेस्टिंग बढ़ेंगे तो हो सकता है 2400 से जो 24 है वो 2400 पहुंच जाए, और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जिस तरह से टेस्टिंग अगर लगातार होगी एक युद्ध स्तर पर अगर होने लगेगी तो हो सकता है कि 200 होकर ये 20 पर पहुंच जाए, तो ये तमाम चीजें हैं प्रशासन को अपनी तरफ से समय रहते ध्यान देना होगा। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर भारत में स्थिति अभी क्या बनी हुई है, लगातार संवाददाता जितेंद्र भी गाजियाबाद के हालात की बात कर रहे थे, साथ ही दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ हालात हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, मुस्तैद है, ये भी लगातार जानकारी दी जा रही है।